मिर्जापुर से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर मतगणना स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल रखा है। रात से ही मतगणना स्थल पर जुटे सपा कार्यकर्ता। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के बाद जुटे सपाई। सपा के बड़े नेता भी पहुंचे पॉलिटेक्निक स्थल पर। मतगणना स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने डाला डेरा। पॉलिटेक्निक स्थित स्ट्रांग रूम के सामने बैठे सपाई। ईवीएम की रफ्तारी कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता। गिनती होने तक ईवीएम की रफ्तारी करेंगे सपा कार्यकर्ता। मतगणना स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने डाला डेरा। पॉलिटेक्निक स्थित स्ट्रांग रूम में के सामने बैठे सपाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अखिलेश यादव ने, तब से अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो सफाई कार्यकर्ता हैं वो डेरा डाल के बैठे हुए हैं। जी, हम आपको बता दें कि बनारस और चंदौली और सोनभद्र के बाद जो ईवीएम को लेकर बवाल मचा है, उसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है सभी जिला अध्यक्षों को लेटर जारी कर बोला है कि आप सभी लोग जो है ईवीएम की रखवाली करो। उनके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के बाद आज ही रात को ही जो है सभी सफाई जो है मतलब यहाँ पे पॉलिटेक्निक स्थित जो ईवीएम है जहाँ पे ईवीएम रखा गया है स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच, वहाँ पे सभी सफाई वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ पे काफी संख्या में जो है डेरा डाल दिया है। इस यहाँ पे सपा के जिला अध्यक्ष सहित सपा के बड़े नेताओं ने भी जो है यहाँ पे डेरा डाल दिया। रात से ही जो है लोग अपना यहाँ पे आधी रात से ही ये लोग पहुंचे हैं और आधी रात से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक गिनती नहीं होगी, जब तक मतगणना नहीं होगी, तब तक जो है हम लोग यहाँ पे डेरा डालेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं आशुतोष, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है, चूंकि कल मतगणना होनी है, उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई हैं? जी, आधी रात को सपा कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के पहुंचने के बाद जो है हरकत में प्रशासन भी आया है और वहां पे पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। हालांकि जो है केंद्रीय बल की पुलिस के जवान जो है ईवीएम की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके उनके देख रेख में जो है ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सपा कार्यकर्ताओं नेताओं के पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हम आपको बता दें कि इस समय जिले में धारा 144 लागू है। आचार संहिता के अनुसार एक साथ जो है इतने लोग नहीं जमा हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आधी रात से जो है ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर इतनी काफी संख्या में भीड़ के बाद जिला प्रशासन जो है अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिया है। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही तमाम सफाई कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग जिलों में जहां पर मतगणना होनी है उस स्थल पर पहुंच रहे हैं, और हालांकि लगातार प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।